कल रात को जो टेस्ट लगाए गए थे उनकी सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनके बाद अब जो कुल संख्या है हमारी वो 328 तक पहुंच गई है। और मृतक एक सूचना प्राप्त हुई है जो कि अरविंदो से सूचना प्राप्त हुई थी, 42 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, और इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से कल 7 लोग थे जिन्हें MRTP से डिस्चार्ज किया गया है, 5 उनमें से इंदौर के भी लोग थे। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि हम लोग सघन सर्वेक्षण कार्य करा रहे हैं उन प्रत्येक कैंटोनमेंट एरिया में, और कल तक की रिपोर्ट में 16,000 से अधिक हम लोग सर्वे करा चुके थे, और इनमें से हमारी जो टीम है आशा आंगनवाड़ी और ये टीचर्स की, इनके द्वारा लगभग 250 के करीब मरीज खोजे गए थे जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम या बुखार था, और परंतु हमारे डॉक्टरों ने जब देखा तो 27 लोग उसमें से ऐसे पाए गए थे जिनमें सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण थे, और उन्हें दवा उसी स्थान पर दे दी गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अभी इसी दिशा में लगा हुआ है, लोगों को लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। जहां तक अस्पतालों का सवाल है तो अभी चूंकि हमने 1142 सैंपल दिल्ली भेजे हैं और संभावना है कि उनमें से कुछ ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले हमारे जो पहले पॉजिटिव आए थे उन्हीं के संबंधी लोग हैं ये, और ऐसी स्थिति में कुछ अस्पताल के बेड्स बढ़ाए गए हैं, इनमें से एक बीमा अस्पताल भी है जो 300 बेड का बीमा अस्पताल को हम लोगों ने अधिग्रहित किया है, जहां पर रेड जोन बनाया जाएगा। चौथराम अस्पताल को येलो और रेड जोन दोनों में लिया जा रहा है। MTH में स्थित जो ऑब्स्टेट्रिक विंग है मेडिकल कॉलेज की, वहां पर भी लगभग 400 बेड का एक रेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे पुराने क्वारंटाइन हाउस में लोग रह रहे हैं उनके भी 14 से 15 दिन होने वाले हैं, उनको भी डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।